हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो गाइस, टुडे डे 7 एंड कल संडे था एंड मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज रीज़न सिंपल था। मैं बहुत लो फील कर रहा था एंड आई वाज नॉट फीलिंग गुड। वो हेल्थ के ऊपर नहीं, मेंटली थोड़ा यू नो डिस्टर्ब था, तो मेरा मन नहीं है, इसलिए शूट नहीं किया मैंने। एंड नेक्स्ट संडे जाऊँगा, मैं सोचा है 2-3 चीज़ वो शूट करूँगा मैं। तो बात की बात है, और मैं ये बोल रहा था कल फुल चीट डे था, तो मैंने इतना चीट किया कुछ नहीं। सो पेस्ट्री खाई थी एंड थोड़ा सा यू नो आउट ऑफ द डाइट खा लिया था मैंने, दैट्स इट। नाउ दैट्स डे 7 शोल्डर। एंड आज क्या करने वाले हो आपको पता है, ये शोल्डर की वर्कआउट प्लस थोड़ा ट्राई करूँगा साइकिलिंग करने की। मेरा पैर दर्द कर रहा है बट फिर भी ट्राई करूँगा। एंड थर्ड आई विल प्रोटीन। तो ये 3 चीज़ होने वाली है आज के ब्लॉग में, वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सो आफ्टर कुछ 10-15 मिनट हो गए, तो 3 सेट ख़त्म हुए और 3 सेट के साथ आज वो भी सेट मारे जो हमने लास्ट वीक में जो सेट मारे थे उससे कुछ बच गए थे। एक्चुअली सीन ऐसे रहते कि काफ़ी मतलब सेट होते हैं शोल्डर के एंड उसमें सब लोग कुछ साथ ही मार पाते हैं, बचे कुछ नेक्स्ट में जैसे आज है उसमें तो कुछ सिमिलर तो होते ही है, और वैसे सिमिलर के साथ कुछ नया भी है। सो 3 दिन के वर्कआउट करते करते मुझे फ्रेम भी सेट करना पड़ता है, तो कभी यहाँ लगाना पड़ता है, तो कभी ये स्टूल, कभी यहाँ और कभी वहाँ ऊपर, तो कभी यहाँ ऊपर। तो इसमें बोलते हैं फ्रेम सेटिंग में मतलब टाइम निकल जाता है और पंप फट जाता है, मतलब मुश्किल से सेट होता है। कभी कभी फ़ोन यहाँ से गिर जाता है, कई बार तो यहाँ से भी गिर जाता है। तो फ्रेम सेट करते करते यू नो आधा टाइम तो उसमें निकल जाता है। सो ये बड़ी दिक्कत की बात है। ट्राईपॉड है अच्छा कि थोड़ा सा यू नो तोड़ मोड़ के सेट हो जाता है, बट तो भी दिक्कत देता है। कोई नहीं, दिक्कत तो आनी। वर्कआउट इज कंप्लीटेड एंड आज भी बहुत इंटेंस वर्कआउट, फुल पेन हो रहा है इस साइड का आज, ये जो ये बहुत पेन हो रहा है। एंड अच्छा, सो अभी इट्स टाइम टू टेक प्रोटीन। प्रोटीन लेने का मेरा ऐसे तो कोई प्लान या कुछ थिंक, मैं सोचा नहीं था कि मैं प्रोटीन लूँगा, बट सडनली आज प्रोटीन में ध्यान गया, तो मेरा प्रोटीन यू नो कुछ लाइट में दिखा कुछ देगा। हाँ, इतना सा बचा है, तो इतना सा बच्चा इसको रख के क्या है मतलब। अभी ये तो वर्कआउट इज कंप्लीटेड एंड आज वर्कआउट का अच्छा पंप आया ये वाला। एंड ये बहुत इंटेंस वर्कआउट के साथ वर्कआउट तो ख़त्म हुआ। सो अभी कोई सीन नहीं था कि प्रोटीन मैं लूँगा या नहीं लूँगा, बट सडनली आज ये हुआ कि मैंने अपने प्रोटीन पर ध्यान दिया। एंड प्रोटीन में ये जो दिख रहा है दूसरा बच्चा है प्रोटीन, आई गेस ये कुछ 2-3 स्पून जीता प्रोटीन बचा है। एंड इट्स लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बिफोर 18 है ना, बिफोर 18 मंथ अपने 18 मंथ्स अपने अंदर यूज़ कर सकते। 19 मंथ स्टार्ट हुआ तो प्रोटीन बेकार है, तो मुझे नहीं पता इसको कितना टाइम हुआ, तो मुझे लगता है अप्रोक्स उसको 2-3 महीने हुए हैं। और उसको ज़्यादा ऐसे पड़े पड़े इससे अच्छा से अपने घटका ही लेते हैं, 2-3 दिन में ही ख़त्म। तो शोल्डर बाइसेप वैसे तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो अभी ये प्रोटीन कौन सा है, ये प्रोटीन ठीक है मसल बेस का प्रोटीन है। ये एक्चुअली इसको इसके ऊपर मैंने शायद पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। सो अगर वो डिस्प्ले पर डाल दूँगा फोटो, आप वो देख लेना। प्रोटीन के ऊपर ज्ञान दिया मैंने, ये प्रोटीन बस सोचा था कि लूँगा जब तक तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सो एनी वेज कोई नहीं, सब BCAA प्रोटीन एंड एवरीथिंग आई विल टेक आफ्टर वर्ड ऑफ दिस लॉकडाउन। एंड जिम जाऊँगा उसके एक दिन पहले सब शॉपिंग करूँगा, तो उसमें आप देख लेना।
सो राइट नाउ आई एम सेइंग दैट ये प्रोटीन लेते हैं एंड जाते हैं साइकिलिंग करने, ऐसे ही कीचड़ में जाऊँगा, ऊपर आके फ्रेश होके बाद में सब रेडी होके बाद में आपसे बात करता हूँ। सो अभी प्रोटीन ले रहा हूँ, देख लो प्रोटीन भी जैसे मैंने बताया था ARG9, जैसे ये मेरी प्लास्टिक की बोतल वही प्रोटीन की, जो मैं दो बोतल थी इसमें से एक ये 200 ml उसमें भी, 200 ml इसमें भी। मुझे नहीं लगता ये ट्राइसेप तो चलेगा ही, ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, इतना बड़ा स्पून है मुझे लगा कि चलेगा, बट ये तो लास्ट है, कल भी इसका आधा होने वाला है इसका। सो अभी एक स्पून डाल देते हैं, एक स्पून में इतना सा थोड़ा सा कम है, बहुत कंजूस है। और मेरा भी सिस्टम एकदम यू नो अलग ही है, कब प्रोटीन लेता हूँ कब नहीं मुझे पता नहीं। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है, अब मैं काटता हूँ यहाँ पे, एंड प्रोटीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बात की हुई है। सो यू कैन गो ओवर देयर एंड चेक आउट दैट माय वीडियो इफ़ यू लाइक। सो मैं मिलता हूँ प्रोटीन के बाद, इन दैट बाय बाय। हाय, सेकंड कल से कंप्लीटेड एंड ऑलमोस्ट आज का दिन भी ख़त्म होने आ गया। बस ये मैं बोलना चाहता था कि 50% अपना वर्कआउट तो बता रहा हूँ, बट 50% मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ वो नहीं बता रहा हूँ, राइट। सो मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ, अभी ऐसा सीन है ना कि मैं 6 महीने हो गए लॉकडाउन को, उससे पहले मैं जिम जाता था तो अच्छे से खाना पीना हुआ करता था, बट अभी टूट गया वो, तो अभी वो टेस्ट भी टूट गया है, वो रूटीन भी टूट गया है। सो उसको धीरे धीरे यू नो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे टाइम लगा, इसलिए यू नो छोटा छोटा कर करके मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू ईट दैट ऑल थिंग्स, जो आपको भाता नहीं, जो अपने को पसंद नहीं, वो खाना थोड़ा यू नो डिफ़िकल्ट है। सो दैट्स वाई अभी धीरे धीरे एक हफ्ता ख़त्म हुआ है, मैं अगले हफ्ते तक तो वो सब लेना स्टार्ट कर दूँगा, अगर नॉनवेज मैं खाता नहीं। एंड प्रोटीन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सो अब मेरे पे पूरा खाने पीने पे डिपेंड हूँ मैं। सो अभी खाना पीना में जो होगा वो धीरे धीरे आई विल ट्राई टू पुट इट ऑन, एंड दैट्स शोल्डर ख़त्म। आज भी शोल्डर अच्छा खासा पंप है, लेग साइकिलिंग चलाने के बाद और दुखने लग गया, एंड प्रोटीन भी ख़त्म होने आ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, इफ़ यू आर नॉट ड्रॉपिंग अ लाइक कमेंट ड्रॉप कर देना, या पसंद नहीं है डिसलाइक मार देना, व्हाट यू लाइक यू कैन डू। So that's it for today's video also, and I will meet you on day 7, day 7 to khatam ho gaya, I will meet you on day 8. Till it, bye bye, take care, good night.